नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद हो सकती है। आपको बता दें कि जेएनके पेट्रोल टैंकर्स एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर में जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसका कारण भी आपको बताएंगे। जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है सबसे ज़्यादा महंगे जो है ये प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, और वहीं पर पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के कंपेरिजन में जम्मू कश्मीर में जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हैं, जिसके कारण जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें जो है रेगुलर बेसिस पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं और पंजाब से ये जो पेट्रोलियम जो है वो खरीद रहे हैं। साथ ही साथ बाकी जो भी अगर किसी भी तरह का कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वहां पर अगर इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए भी ये जो लोग हैं या फिर ये जो कंपनीज हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये पंजाब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के जो पेट्रोलियम टैंकर्स ओनर्स हैं वो उनको जो है भारी नुकसान झेलने को मिल रहा है। इस बात के लिए उन्होंने जो है जहां पर बात करते हैं हम जेएनके पेट्रोल टैंकर ओनर्स की, इन्होंने कल जो है एक मीटिंग भी की जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, इस पर गौर नहीं फरमाया जाएगा सरकार की तरफ से, तो आने वाले दिनों में ये जो है इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई जम्मू कश्मीर में बंद कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें भारी मात्रा में नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि यहां तक कि रेलवे या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें वो भी जम्मू कश्मीर से जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने की बजाय पंजाब से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ये तेल कंपनियां हैं जो उन्हें तेल मुहैया करवाती हैं उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो चाहे जम्मू कश्मीर में अपना तेल जो है वो सप्लाई करे या फिर पंजाब में। तो सबसे ज़्यादा अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है जेएनके पेट्रोल टैंकर एसोसिएशन को कि अब यहाँ पर जो है वो सप्लाई भी एक तरह से कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर डिमांड जो है उतनी ज़्यादा नहीं है। इसी के साथ जम्मू के डिपो में अब जो है जो भी ये माल उतरता था वो माल उतारने की बजाय अब पेट्रोलियम कंपनियां जो है यानी कि जो तेल कंपनियां हैं वो अब पंजाब में ये माल जो है सप्लाई कर रही हैं, और लगातार पंजाब में अब जो है जम्मू कश्मीर में से भी अब तेल जो है वो खरीदा जा रहा है। इसी के साथ कश्मीर और लद्दाख की अगर बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर और लद्दाख में भी अब सीधे जो है पंजाब से सप्लाई की जा रही है, और लद्दाख में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है और जम्मू में सारा पेट्रोल जो है वो इथेनॉल मिक्स आता है। तो ऐसे में जहाँ पर जेएनके पेट्रोल टैंकर्स एसोसिएशन की बात करें तो उन्होंने ये भी मांग की है कि यहाँ भी यानी कि जम्मू में भी अब एथेनॉल से बिना मिला हुआ पेट्रोल जो है वो यहाँ पर आना चाहिए ताकि जम्मू से लद्दाख के लिए भी अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई हो सके। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लंबे समय से वो ये मांग जो है वो कर रहे हैं लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई गौर जो है वो नहीं फरमाया जा रहा है। टैंकर्स मालिकों की अगर बात करें तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि उन्हें भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है, और बैंकों से जो उन्होंने किश्तें ली हैं, इंस्टॉलमेंट्स जो उनको जो है वो देनी पड़ती हैं वो नहीं चुका पा रहे हैं। और साथ ही जहां पर इस एसोसिएशन की बात करें तो कल शुक्रवार को इन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने सभी अपनी मांगों को जो है सामने रखने की कोशिश की है, और उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। इसी के साथ जहां पर एसोसिएशन की कल जनरल बॉडी मीटिंग हुई है उसमें सभी सदस्यों ने, जितने भी मेंबर्स जो है उसमें मौजूद थे, उन्होंने एक साथ मिलकर ये डिमांड जो है वो प्रशासन के आगे रखने की कोशिश की है, सरकार के आगे रखने की कोशिश की है, और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क अगर करवाए जा रहे हैं उसमें अगर किसी तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर अगर यूज़ होते हैं या फिर जहाँ पर बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, वो भी अब जो है इनका साथ नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो भी अब सस्ता पेट्रोल जो है वो खरीदने के लिए पंजाब की ओर जा रहे हैं, तो किस तरह का नुकसान जो है यहाँ पर मौजूद इस एसोसिएशन को हो रहा है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से मांग की जा रही है आने वाले समय में ये देखना होगा कि किस तरह से इनकी मांगों को जो है पूरा किया जाता है, क्योंकि जिस तरह की चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है वो बंद हो सकती है, आम जनता पर जो है इस पर किस तरह की मार पड़ सकती है और किस तरह से आम जनजीवन जो है वो भी जो है इस पर एक तरह से
जो है अफेक्ट हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पर हर तरह से जो है सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा मसला है, क्योंकि जिस तरह की परेशानियाँ जो है पेट्रोल एसोसिएशन को भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो भी ये टैंकर्स ओनर्स हैं, जो इन्हें भी किस तरह की परेशानियाँ जो है वो झेलने को मिल रही हैं, इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।